हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप जो i3 12 जनरेशन के साथ आता है, जिसकी स्पेसिफिकेशन 8GB रैम 512GB SSD होती है और विंडो 11 और MS ऑफिस के साथ लिनोवो इस लैपटॉप को देता है। आज हम इस लैपटॉप के फीचर्स देखेंगे, उसकी कॉन्फिगरेशन देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ लैपटॉप को फिजिकली ओपन करके भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपका लैपटॉप क्या क्या अपग्रेड हो सकता है और उसमें कौन से पार्ट्स कहां पे लगे हुए होते हैं। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हम लैपटॉप्स के रिव्यूज करते रहेंगे और सबको फिजिकल ओपन करके आपको दिखाते रहेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लैपटॉप के जो लिनोवो का लैपटॉप राइजन 3 है, जिसके हमने पीछे अनबॉक्सिंग करी थी और आज आई थी, इसका कंपेयर भी करके हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप जो आई थी 12 जेन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो पॉलीकार्बन से ये बना हुआ होता है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में गए तो प्लास्टिक बॉडी इसमें होती है, बहुत ही स्लीक बना होता है, फिनिशिंग बड़ी अच्छी होती है। ये वेंट दे रखे हैं, कूलिंग वेंट। अगर हम बात करते हैं इसके पोर्ट्स की तो लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पोर्ट दिखाई देंगे दो, एक है USB 2.0 और दूसरा है SD कार्ड रीडर। अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ आपको पोर्ट्स मिलते हैं, जो सबसे पहला है लैपटॉप चार्जिंग का पोर्ट है जिससे आप लैपटॉप चार्ज करते हैं। दूसरा पोर्ट आपको दे रखा है USB 3.0 डाटा ट्रांसफर के लिए। अगला पोर्ट है आपका HDMI आपका डिस्प्ले के लिए, अगर आप एक्सटर्नल प्रोजेक्टर या आप LED अटैच करना चाहते हो। उसके बाद आपको मिलता है Type-C और आपको 3.5mm ऑडियो चेक। मैं आपको बता दूं इसमें दो USB दे रखे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में USB है वो 2.0 है। अगर आपको इनपुट डिवाइस लगाने हैं जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या आप प्रिंटर लगाना चाहते हैं तो आप ये डिवाइसेस लगाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड वाला यूज करिएगा क्योंकि वो 2.0 है। अगर आप राइट साइड वाला देखेंगे वो 3.0 है। कोई भी आपको डाटा ट्रांसफर करना है, सपोज आपको पेन ड्राइव लगानी है, आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगानी है, तो आप राइट हैंड साइड वाला आप USB यूज कर सकते हैं। उस पर SS लिखा हुआ होता है, मैं आपको बता दूं जो 3.0 होता है उस पर SS लिखा हुआ होता है, यानी सुपर स्पीड। देखिए लिनोवो के लैपटॉप की एक खासियत और होती है, जैसे ही आप लीड को ओपन करते हैं तो लैपटॉप अपने आप स्टार्ट हो जाता है, आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हमने लीड जैसे ही ओपन किया लैपटॉप हमारा स्टार्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप के कॉन्फिगरेशन की। सबसे पहले देखते हैं हम CPU। ये लैपटॉप आता है i3 12 जनरेशन के साथ, 1215U इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे 1.2 GHz इसकी बेस स्पीड है, लेकिन ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है तो बूस्ट अप हो गया, ये 4.2 GHz तक आपका जाता है। बात करेंगे इसमें फिजिकल कोर 6 मिलते हैं, इंटेल अपने i3 12 जनरेशन में 6 फिजिकल कोर देता है। उससे पहले वो 2 फिजिकल कोर दे रहा था 11 जनरेशन में, लेकिन इसमें इंटेल ने सीधा 6 फिजिकल कोर करे हैं। और अगर बात करेंगे लॉजिकल प्रोसेसर की तो वो इसके अंदर है 8, और L3 कैश की बात करेंगे तो वो 10 MB आपको इसमें मिलता है। अगर हम सीधा कहें कि मल्टीटास्किंग करनी हो तो आपको इस लैपटॉप में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, 8GB आपको रैम मिलती है, स्पीड इसकी होती है 32 MHz की, एक स्लॉट दे रखा है इसमें और एक उसमें रैम लगी हुई है 8GB की। इसका मतलब आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, बाकी हम जब लैपटॉप फिजिकली ओपन करेंगे तब हम देखेंगे आप इसमें क्या अपग्रेड कर सकते हैं। SSD की बात करेंगे, इंटेल SSD लगी हुई है 5.2GB की, जिसमें आपको 477 की कैपेसिटी मिलती है यूज करने के लिए। वाईफाई देखेंगे, वाईफाई 6AX201 आपको मिलता है और ब्लूटूथ है 5.2। अगर आपका राउटर 5G राउटर है तो आपको इंटरनेट की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं ग्राफिक्स की, इंटेल USD ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है शेयर्ड मेमोरी के साथ 3.9GB और टोटल भी आपका 3.9GB। i3 कोई भी डेडिकेटेड आपको ग्राफिक्स नहीं देता है, तो अगर आप सोच रहे हैं उसमें गेमिंग और डिजाइन, वो आप इस लैपटॉप में नहीं कर सकते, बहुत ही बेसिक आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये लैपटॉप गेमिंग और डिजाइनिंग के लिए नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 15.6 इंची फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको मिलता है 250 nits के साथ।
अगर आप देखेंगे नैरो बेजल में आपको मिलता है, दो तरफ से आपका नैरो बेजल है, एक साइड आपका कैमरा लगा हुआ है। अगर हम कैमरा भी देखेंगे, कैमरा 720p के साथ आता है, और लेनोवो की जो खासियत है लैपटॉप में, शटर लॉक देता है आपका कैमरा, आप शटर से इसको लॉक कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो आपका हैकिंग चल रही है वो आपके कैमरे को हैक होने से बचाता है, जो कैमरे का शटर है। साथ में आप देखेंगे इसका कीबोर्ड भी हम बात करें, 15.6 इंची का फुल साइज बैक नॉन बैकलिट कीबोर्ड है, जिसका की ट्रैवलिंग स्पेस बहुत अच्छा है, आपको टाइपिंग करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों वक्त आ गया है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का। लैपटॉप को फिजिकली ओपन करते हैं और देखते हैं हम लैपटॉप के पार्ट्स कौन कौन से इसमें कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखते हैं इसमें कहां पे क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, चलिए बात करते हैं इसके पार्ट्स की। यहां पे देखते हैं हम, यहां पे लगा हुआ है हमारा प्रोसेसर i3 12th जनरेशन, जो हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है फैन से। मदरबोर्ड है बहुत छोटा दे रखा है, बोर्ड से हटके फैन लगा हुआ है जो लैपटॉप को स्लिम होने में मदद करता है। ये आप देख रहे हैं ये इंटेल की SSD लगी हुई है इसमें 512 GB। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप इसको रिमूव करके अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमारा लगा हुआ है वाईफाई 6 जो आपके इंटरनेट के लिए यूज होता है। मैं आपको बता दूं इसके नीचे की तरफ बोर्ड का जो बैक साइड है वहां पे इसकी रैम लगी हुई है, जो आपको इतना ओपन करने पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आपने लैपटॉप को अपग्रेड करना है तो ये जो पार्ट दे रखा है यहाँ पे लॉक्स हैं। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये आपको स्लॉट दिखाई देगा, ये रैम का स्लॉट खाली है। इसमें 1 8GB की रैम लगी हुई है जो सोल्डर्ड है, दूसरी स्लॉट खाली है। आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसमें 4GB या 8GB की कोई भी रैम इसमें लगा सकते हैं, ये आपका लैपटॉप 16GB तक अपग्रेड हो जाएगा। ये आपकी देख रहे हैं ये बैटरी है, 3 सेल की बैटरी लगी हुई है 45 वाट वर्क आवर के साथ, जो आपको बैटरी बैकअप देती है 5 से 6 घंटे। यहां पे आप देखेंगे ये आपके 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये आपके कनेक्टर साथ में जो इससे वायर से इनबिल्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि लैपटॉप में आप क्या अपग्रेड कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हैं जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। एक SSD, आप दूसरी SSD नहीं लगा सकते, इसको रिमूव करके ही आपको 1 TB की SSD लगानी होगी। रैम आप एक स्लॉट खाली दे रखा है लेनोवो ने, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, 4GB या 8GB लगा के आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा i3 12th जनरेशन का रिव्यू, अब बात करते हैं ये किस किस काम में यूज आ सकता है, किस किस को परचेज करना चाहिए। देखिए 15.6 इंची का लैपटॉप है, 15.6 इंची का फुल साइज कीबोर्ड है, तो अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो इसमें इजीली अकाउंटिंग हो जाएगी। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करना है हो जाएगा, आपको सर्फिंग करनी है इंटरनेट सर्फिंग वो इजीली हो जाएगी, हैवी गेमिंग और ग्राफिक्स का काम आप इस पे नहीं कर सकते। बात करते हैं प्राइस बैंड की, तो ये मार्केट में 45,000 से 50,000 के प्राइस बैंड में आपको मिल जाता है। लिनोवो इसके साथ 2 साल की वारंटी देता है, आप इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सेल्स पर्सन से बात करनी पड़ेगी, जब भी आप लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे वहां पे सेल्स पर्सन होगा, आप उससे बताइएगा कि हमें एक्सीडेंटल डैमेज लेनी है, वो आपको डिटेल्स दे देंगे। लिनोवो टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की ऑफर्स निकालता रहता है। ये लैपटॉप आपको विंडोज 11 सिंगल लैंग्वेज के साथ मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है लाइफ टाइम के लिए, वो आपको इसमें मिल जाता है। आज हमने i3 12th जनरेशन के फीचर्स और रिव्यूज करे हैं। हमने पिछली वीडियोज में लिनोवो का ही Ryzen 3 7000 सीरीज का किया था,
अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से कौन सा लें, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे दोनों का कंपैरिजन। देखना मत भूलिएगा, अगर आपने लैपटॉप लेना है तो देखिएगा, कंपेयर करके ही आप लैपटॉप परचेज करिएगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इन दोनों लैपटॉप के कंपेरिजन के साथ। जय हिंद।